तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं सीपीयू लेडर्स के बारे में। जैसे भी मतलब जैसे कि आप कभी देखे होंगे कि जब भी आप सीपीयू बाय करने गए होंगे तो आपको बहुत सारा लेडर्स मिला होगा उसमें। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब जैसे i3 है तो i3 है, उसके बाद लगा होगा 606U करके, तो ये फिर यू क्या है? तो या फिर होता है i9 7980XE, तो फिर इसमें XE क्या है? तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार, ई का अर्थ हो गया, शुरू करते हैं भला। तो पहला जो है लेटर, उसका वो है K। तो K बहुत लोग आप फेमिलियर होंगे इससे, हो सकता है। तो K का मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल, और जो सीपीयू नॉन के होता है, जिसमें के नहीं होता है, वो ओवरक्लॉकेबल नहीं होता है, लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड तक जाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद एच का मतलब होता है, अगर लेटर आ गया एच लास्ट में, तो उसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स, सॉरी ग्राफिक्स का आ गया, हाई परफॉर्मेंस होता है, ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक्स का दूसरा है। तो हाई परफॉर्मेंस कहने का मतलब कि उससे नीचे आता है ओवरक्लॉकेबल से। और तो कई जगह आप देखते होंगे कि आपको मिलेगा लास्ट में एच क्यू। तो एच क्यू में हाई, एच का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, और क्यू का मतलब होता है क्वाड कोर, ठीक है। क्यू का मतलब होता है क्वाड कोर, अगर क्यू आ गया कहीं भी तो उसका मतलब होता है क्वाड कोर। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा एच क्यू का मतलब होता है हाई क्वालिटी, नहीं समझ लीजिएगा। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि एच यू का मतलब होगा कि हाई क्वालिटी। मतलब इंटेल अगर बोल रहा है कि यार ये एच क्यू है, तो एच क्यू सी पी यू है अगर पीछे में लगा हुआ है, तो इसका मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं हाई क्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। एच का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, क्यू का मतलब होता है क्वाड कोर। उसके बाद आगे चलते हैं यू का। तो यू जनरली, ये सब जितना भी हम बता रहे हैं वो सब लैपटॉप सी पी यू के लिए है, ये सब लैपटॉप सी पी यू में होता है। यू का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर, ठीक है, अल्ट्रा लो पावर। और जनरली ज़्यादातर लैपटॉप्स में यही जो है सो सी पी यू सी आता है यू वाला, मेरे लैपटॉप में भी यू वाला ही सी पी यू है। और वाई का मतलब होता है उसके बाद एक्सट्रीमली लो पावर, ये किसी छोटे सस्ता हेडफोन जो होता है, हेडफोन कहा गया यार, सी पी यू जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब कि वाई। उसके बाद आता है ई, तो आपको पता होगा ई सी सी मेमोरी के बारे में। तो ई सी सी मेमोरी, ई का मतलब होता है ई सी सी मेमोरी, अगर कहीं पे ई लिखा हुआ है लास्ट में तो उसका मतलब होगा ई सी सी मेमोरी। उसके बाद चलते हैं डेस्कटॉप के तरफ। तो डेस्कटॉप में अगर टी है लास्ट में, टी का क्या, तो टी का मतलब होता है लो पावर, इसका भी मतलब होता है लो पावर लेकिन डेस्कटॉप में। और दूसरा बात ये है कि ये जो है जनरली ऑल इन कंप्यूटर जो होता है, जो पूरा का पूरा बिल्ट होता है, जनरली जो आप परचेज करते हैं प्री बिल्ट, उस समय यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आता है पी, तो पी सी पी यू थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि पी का पी अगर है तो उसमें उसका मतलब है कि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, उसमें ग्राफिक्स है ही नहीं, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स यानी एक्सटर्नल ग्राफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल नहीं, कहने का मतलब कि आपको अलग से ग्राफिक्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल मतलब क्या कहते हैं, केस के बाहर का ग्राफिक्स, वो नहीं, तो आपको केस के अंदर ही लगाना है PCI स्लॉट में, PCI एक्सप्रेस स्लॉट में, लेकिन वो अलग से कोई और ग्राफिक्स खरीद के लगाना पड़ेगा इसमें, ये इसलिए CPU अच्छा मतलब सस्ता होता है। तो उसके बाद बात करते हैं जी का। तो जी जिसके अंदर में रहता है वो सीपीयू जो होता है प्री बिल्ट आता है, डेडिकेटेड ग्राफिक मतलब एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, जो कि उसका सबसे बड़ा इंटेल का राइवल जो है AMD, उसका ग्राफिक्स है, रेडॉन ग्राफिक्स है उसमें। तो रेडॉन ग्राफिक्स जो है जी सीरीज में होता है। उसके बाद आता है R&C। R&C जो होता है, ये इस तरीके का CPU जो होता है, ये बेसिकली अनलॉक्ड होता है और सोल्डर होता है, कहने का मतलब ये बोर्ड पे जो होता है पूरा चिपका होता है, सोल्डर किया हुआ होता है, इसको निकाला नहीं जा सकता है कि आप इस सॉकेट से निकाले उस सॉकेट में डाल दिए, समझ गए।
उसके बाद आ लास्ट है हमारा एक्स, तो एक्स एक्स का एक्स जो होता है वेरी हाई एंड सीपीयू होता है, डेस्कटॉप का सबसे महंगा सीपीयू आता है एक्स में होता है, जैसे कि i9 7980XE। तो इसमें एक्स का मतलब है कि वेरी हाई एंड और प्लस अनलॉक्ड। तो फिर आप बोलेगा कि यार एक्स का मतलब अनलॉक्ड होता है, तो फिर के का मतलब क्यों अनलॉक्ड होता है? देखिए, के होता है लैपटॉप में, एक्स होता है सीपीयू में। के भी क्या बोलते हैं इसमें होता है हमारे, पता नहीं डेस्कटॉप में के होता है या नहीं, लेकिन जनरली लैपटॉप के लिए था। तो एक्स जो होता है वेरी हाई एंड जो होता है, सबसे महंगा जो सीपीयू होता है उसमें एक्स रहता है, उसका बहुत महंगा रहता है। उसका एक्स ई का मतलब होता है एक्सट्रीम एडिशन। अगर कहीं पे एक्स ई लिखा हुआ है तो एक्सट्रीम एडिशन उसका मतलब होगा, और एक्स लिखा हुआ है तो हाई, वेरी हाई एंड अनलॉक्ड, और उसमें सबसे ज़्यादा कोड होता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोसेसर में कोड होता है, और प्लस सबसे ज़्यादा जो है प्राइस भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक्स ई बोलते हैं, जिसमें एक्स का मतलब हो गया वेरी हाई एंड अनलॉक्ड, और ई का एक्स ई का मतलब हो गया एडिशन, तो एक्सट्रीम एडिशन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। 6 मिनट का वीडियो हो गया, तो लंबा वीडियो हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सीपीयू लेटर्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।